हेलो फ्रेंड्स, आई एम हीना। वेलकम बैक टू माय चैनल नील हीना ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑरेंज फेशियल। ऑरेंज फेशियल आपको कैसे करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके मैंने 3 स्टेप रखे हुए हैं। पहला होगा हमारे फेस की क्लींजिंग, सेकंड होगा स्क्रबिंग और थर्ड होगा फेस पैक। तो हमें ये 3 चीज कैसे बनानी है और कैसे अप्लाई करनी है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरी जरूर देखना। अब बात करती हूँ मेरे मेकअप की। तो आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा हो तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की है बेस मेकअप पर, मतलब कि हमें हमारे फेस पर फाउंडेशन, कंसीलर और कलर करेक्टर कैसे अप्लाई करना है मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। बाद में मैंने ये जो ब्राउन स्मोकी आई की है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आपने वो नहीं देखी तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तीसरा है, आप देख रहे हो मेरे हेयर एकदम बरगंडी हो गए हैं, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो डाली है मेरे चैनल पर, आपने वो भी नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर देख लेना, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और ये ब्राउन स्मोकी आई और ये मेकअप आपको अच्छा लगा हो तो वो भी वीडियो आप देख लेना। तो अब बात करते हैं ऑरेंज फेशियल की, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऑरेंज लेकर उसे फिल कर लेना है। यहाँ पर मैं कैमरे के लिए सॉरी बोल रही हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये ऐसे शूट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इसे फिल करने के बाद, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, तो आपको सिर्फ अंदर का पार्ट जो होता है ऑरेंज का उसे आपको ब्लेंडर में, मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेना है। मेरे पास यहाँ जूसर नहीं है, आपके पास जूसर हो तो डायरेक्ट जूस निकाल देना, मैं यहाँ पर ऐसे ही जूस निकाल रही हूँ। तो मैंने मिक्सी में इसा पीस लिया है, अब मैं इसका जूस निकाल दिया है, आप देख रहे हो मेरे कांच के बाउल में इसे निकाल दिया है। अब मैं इसका फिल उसमें डालकर इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं पहले बनाऊँगी क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून रो मिल्क लिया है। रो मिल्क मतलब कच्चा दूध, आपको उबालना नहीं है दूध को। और 1 टेबल स्पून ऑरेंज का जूस लिया था। अब मैं यहाँ पर स्क्रब बनाऊँगी। तो स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून चावल का आटा, और जो हमने फिल का और अंदर के पार्ट का जो ग्राइंड किया था वो ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हनी। हनी हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी और चावल का आटा आपको स्क्रब का काम करेगा। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसमें डालना है रोज़ वाटर, आपको इतना ही रोज़ वाटर डालना है जिससे ये स्क्रब अच्छे से हो जाए। तो ये स्क्रब रेडी है, हम बनाएंगे पैक। तो पैक के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज जूस लिया है जो हमने पहले ग्राइंड किया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, और 1 टेबल स्पून हमने जो फिल का और अंदर का पार्ट लेकर जो ग्राइंड किया था उसे ले रही हूँ। तो ये हो गया हमारा फेस पैक रेडी। अब यहाँ पर हो गया हमारा क्लींजिंग, स्क्रबिंग और ये हो गया हमारा फेस पैक। तो इसे अप्लाई कैसे करना है आपको मैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहले क्लींजिंग अप्लाई करेंगे तो आपको एक कॉटन का पैड लेना है और उसे आपको जो हमने क्लींजिंग बनाया उसमें डिप करना है, और इसे अच्छे से आपको आपकी स्किन को साफ करना है। इससे पहले मैंने फेस वॉश से तो मेरे फेस को वॉश कर लिया था, लेकिन इससे हम हमारे फेस को क्लीन करेंगे तो रो मिल्क हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करेगा और अच्छे से हमारे फेस को मॉइस्चराइज करेगा। और ऑरेंज का जूस जो हमने लिया है उसमें विटामिन सी होता है, तो उससे हमारे जो पिंपल्स रिंकल्स होते हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आपको आपके फेस को इसके हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेना है, और बाद में इसे आपको 5 मिनट आपके फेस पर ऐसे ही छोड़ देना है जिससे इसका जो हमने ऑरेंज जूस लिया है और रो मिल्क लिया है वो अच्छे से आपकी स्किन पर ऑब्जर्व हो जाए और ये इसका काम करे।
साफ़ करने आपके स्किन को क्लीन करने के बाद आपको 5 मिनट बाद आपके फेस को वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मेरे फेस को वॉश कर लिया है। अब मैं पैड ड्राई कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है। अब हम अप्लाई करेंगे स्क्रब। स्क्रब को आपको पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपके फिंगर की हेल्प से आपके फेस पर इसे अच्छे से स्क्रब करना है। इसको आपको 3 से 4 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको इसे अच्छे से स्क्रब करना है। आपके नेक पर, आपके चीक पर, आपके होठ पर भी इसे आप स्क्रब कर सकते हो। आपके फोरहेड्स पर, आपके नोज पर अच्छे से आपको स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपको फेस को वॉश कर लेना है। ठंडे पानी से करो तो भी चलेगा, और ताज़े पानी से करोगी तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर मेरे फेस को वॉश कर लिया है। अब मैं पैड ड्राई कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो स्क्रब करने के बाद मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। अब हम लगाएंगे पैक। तो पैक को आपको आपकी हैंड के हेल्प से इसे अच्छे से आपके फेस पर अप्लाई कर लेना है। मैं मेरी आई पर भी इसे अप्लाई करूँगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आपको पहले इसका पैच ट्राई ज़रूर करना है, जिससे आपको मालूम पड़ जाए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, तो खट्टी चीज़ों से सेंसिटिव स्किन वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसे अच्छे से आप पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब इसको 10 मिनट आपके फेस पर रहने देना है, बाद में आपको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप देख रहे हो मेरा फेस कितना ग्लोइंग और अच्छा लग रहा है। मेरे फेस पर पिंपल्स तो नहीं है, लेकिन आप इसे अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा, आपके पिंपल्स, रिंकल्स और एक्ने को रिमूव कर देगा। अब मैं जो क्लिप बना रही हूँ वो एक्स्ट्रा है। मैंने यहाँ पर बताया कि आप फेशियल करने के बाद आपकी स्किन केयर रूटीन कैसे करें, तो मैं यहाँ पर एज अ टोनर मैंने जो मेरी चैनल पर DIY फेशियल मिस्ट बनाया है, लेवेंडर फेशियल मिस्ट, वो स्प्रे कर रही हूँ और इसे अब्जॉर्ब कर रही हूँ। इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट करना। ये बहुत ही अच्छा फेशियल मिस्ट है, तो ये मेरे फेस पर अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं एज अ सीरम लगाऊँगी ये गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे फेस पर अच्छे से सीरम का काम करता है। तो अब मैं इसे अप्लाई करने के बाद लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ VLCC का हनी मॉइस्चराइज़र। ड्राई स्किन वालों के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, इसका मैं अलग से रिव्यू करने वाली हूँ, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने इसे मेरे पूरे फेस पर अच्छे से मसाज कर लिया है। मसाज आपको 5 मिनट तक करना है, जिससे मॉइस्चराइज़र आपके फेस पर अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। तो अब मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है, मैंने एक्स्ट्रा क्लिप डाली थी। आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।